नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के ग्यारसपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर चर्चाओं में है। ये वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां महिलाओं को फर्श में लिटाकर नसबंदी का ऑपरेशन पिछले दिनों कर दिया गया था और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी गलती छुपाने के लिए गलत आंकड़े पेश किए थे। ताजा मामले में एक प्रसूति महिला से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिसमें नर्स के द्वारा प्रसव कराने के एवज में 500 रुपए की डिमांड की गई, जो कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता राजकुमार पिता मुन्नालाल ने बताया कि उनकी पत्नी गोमती बाई की डिलीवरी ग्यारसपुर के सरकारी अस्पताल में हुई थी। उस दौरान मौके पर उपस्थित कंचन दीवान ने गोमती के पति राजकुमार से डिलीवरी के एवज में 500 रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता के पास 500 रुपए नहीं होने पर नर्स ने कहा कि मात्र 200 रुपए दे दो, और जब शिकायतकर्ता ने जानना चाहा कि यह 200 रुपए किस बात के लग रहे हैं और अगर लग रहे हैं तो नर्स के द्वारा उन्हें लिखित में जानकारी दी जाए, तो नर्स ने कहा कि क्या कहीं डिलीवरी के पैसे लिखित में कोई देता है, चल अब तुझे इस बार पहचान लिया, अगली बार आएगा तो याद रखूंगी। और इस बात की शिकायतकर्ता ने जन सुनवाई के माध्यम से आवेदन करके किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। निश्चित तौर पर इस तरह की बात शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर एक गहरा प्रश्न उठाता है। इस संदर्भ में जब बीएमओ नत्थी अहिरवार से बात की गई तो उनका कहना है कि जैसे ही मेरे पास शिकायती आवेदन आता है तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। जी, तुमने दिए डिलीवरी के लिए? डिलीवरी के लिए मतलब कोई पूछ रहा है कि लिखा तुम दे देती हो? ऐसा होता है क्या, कोई ने लिख दिया? पैसा तो नहीं लगा आपने जो पैसा मांग रही? सुनना, हाँ तेरी जो डिलीवरी हुई ना विदिशा जाती, वो इतना बीपी था, वहाँ वालों ने खदेड़ दिए हैं। मैडम नहीं थी, वो ये किया थी, वो नहीं जांच करने। बीपी तुम्हारा 165 और 100 था, कोई नहीं हाथ रखता। चल अब आप तो पहचान ली मैंने, देखो दूसरी बार आएगा तो याद रखूंगी, ठीक है? लिखित में ले लेना तू, फिर मैं से लिख के ही दूंगी, फिर मैं देखो कार की पैसे चाहिए तेरे को। काम तो तुमने पूरा करा लिया। मैम अभी रविवार के दिन एक केस आया था डिलीवरी वाला पचपेड़िया से, उनकी पत्नी का नाम गोमती था और पति का राजकुमार। राजकुमार का कहना है उसने शिकायत दर्ज करवाई है कि हमसे 500 रुपये यहाँ पर जो मौके पर नर्स उपस्थित थी कंचन दीवान, उन्होंने पैसे मांगे हैं। तो आप बताइए आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे इस लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ? मेरा कहना ये है कि अभी तक मुझे शिकायत से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जी, क्योंकि मैं भोपाल मीटिंग में थी जी। अब अभी मैं ऑफिस में जाकर बैठी थी जी। तो अब अभी मैं देख रही हूँ, अगर मुझे इस तरह का कोई प्रतिवेदन या शिकायती पत्र मिलता है तो मैं नियम अनुसार जो कार्यवाही की जाती है वो मैं कार्यवाही करूँगी। शिकायती पत्र आपके सामने ही एसडीएम मैडम को दिया जन सुनवाई में? नहीं, हाँ, ये तो आपने दिया है, लेकिन मेरे ऑफिस से अभी मिलेगा तो उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगी जी। फिर भी नियम के अनुसार क्या कार्रवाई होगी? अब वो तो जो संबंधित है ना जी, अब उससे मैं चर्चा करूंगी या जो नियम अनुसार कार्रवाई होती है वो देखूंगी। ठीक। अच्छा, तो अस्पताल में क्या घटना घटी आपके साथ में? जी, मेरी पत्नी का नाम है गोमती बाई, गर्भवती थी, डिलीवरी लाने आई थी। हाँ। मतलब रविवार के दिन दो तारीख को 2 बजे डिलीवरी हुई। हाँ। और मैडम ने 500 रुपए मांग की, हमने 200 रुपए दिए, हमारे पास थे नहीं, मतलब 500 रुपए। हाँ। हमने 200 रुपए उनके लाने दे दिए। नर्स का क्या नाम था? कंचन दीवान सिंह। कौन से हॉस्पिटल में? ग्यारसपुर सरकारी। किसी से कोई शिकायत की क्या आपने? जी अभी नहीं। जन ब्लॉक में की जन सुनवाई, ब्लॉक में भी आपने आवेदन दिया है जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी बोला तो फोन लगाया था, उन्होंने मैडम को फोन लगा नहीं, वो बोल रहे थे हम फोन लगा कर बता देंगे। बीएमओ से जी।